हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट में एक सीक्रेट बेस भरा के दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सीक्रेट बेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक प्लेन जगह को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आपको डिग करते हुए नीचे की तरफ जाना है। आपको जितना भी नीचे बेस चाहिए होगा उतना नीचे आपको ब्लॉक्स को हटा देना है और आपको सामने की ओर बेस बना देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वेयर शेप का एक बेस बना लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको बाहर आना है और एक ब्लॉक को छोड़ के यहाँ पे डिग करना है और वहाँ पे आपको गोल्ड ब्लॉक को प्लेस करना है और गोल्ड ब्लॉक के ऊपर आपको एक नोट ब्लॉक को प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोन ब्लॉक को प्लेस करना है और नोट ब्लॉक के पीछे आपको एक वॉल बना लेनी है इस प्रकार से। नाउ अभी आपको वॉल के पीछे आना है और यहाँ पे एक ब्लॉक को हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक को हटा देना है और नोट ब्लॉक के पीछे यहाँ पे ऑब्जर्वर को प्लेस कर देना है। ऑब्जर्वर के सामने आपको एक रिपीटर को इस तरह से लगाना है और रिपीटर के सामने आपको एक आयरन ब्लॉक को इस तरह से लगा देना है और आयरन ब्लॉक के ऊपर रेस्टोन को लगा देना है और फिर से आपको एक रिपीटर को यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देना है और उसके सामने एक और आयरन ब्लॉक को इस तरह से प्लेस कर देना है और ब्लॉक के ऊपर रेस्टोन को लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो स्टिकी पिस्टन्स को इस प्रकार से लगाना है और उसके सामने आपको बुक शेल्फ को इस तरह से लगा देना है। आपको जब भी सीक्रेट बेस के अंदर जाना होगा आपको नोट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप सीक्रेट बेस के अंदर जा सकोगे। सीक्रेट बेस के अंदर आप डायमंड या फिर कोई भी ओपी आइटम को चेस्ट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो और नोट ब्लॉक पर क्लिक करने पर सीक्रेट बेस हाइड हो जाएगा। अगर आपको ये सीक्रेट बेस का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।